अब भी जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन खिलाड़ियों का जारी रहेगा या फिर सरकार के इस इंटरफेरेंस के बाद वो इंतजार करेंगे कि 72 घंटे के भीतर क्या जवाब आता है WFI की चीफ की ओर से? 72 घंटे क्या, ये लोग यहाँ पर आने वाले 14 दिन तक डटे रहने को तैयार है। बड़ी बातें यहाँ पर ये कही गई है कि हमने बबीता फोगाट को कह दिया है कि फेडरेशन को भंग कर देना चाहिए, और जिस तरीके से ये तमाम शिकायतें अभी तक रखी गई थी उन शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आज सभी एकजुट मंच पर यहाँ पर है। इस बीच विनेश फोगाट ने TV9 से बातचीत करते हुए ये बताया कि किस तरीके से 2007 में और कई चैंपियनशिप जीतने के बाद उनकी तरफ से ये बातें ट्वीट भी की गई थी, ये शिकायतें रखी गई थी सामने फेडरेशन के, तो ये तमाम आरोप निराधार है कि फेडरेशन के सामने कोई शिकायत नहीं रखी गई। और महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर जो भी चीज लोगों ने रखी है आप लोगों के जल्दी समक्ष होगी, और आप लोगों के सामने शायद रखी भी इन्होंने कि इनकी क्या इन्होंने मतलब ये क्या चाहते हैं, और वही होगा जो ये लोग चाहते हैं। मैं इतना आपको किसी ने कहा के तौर पे ही मदद कर पाऊंगी और एक बड़ी बहन के नाते किसी ने कहा इनसे जाके बातचीत के लिए? देखिए मैं क्योंकि खुद सरकार में हूँ, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, जो मुझे ठीक लगा मैं वो कर रही हूँ। फेडरेशन के खिलाफ ये शिकायतें आखिर क्या अभी तक आपको पता चली? सरकार ने तो एक्शन ले लिया, सरकार जो चाहती है एक्शन ले लिया। 72 घंटे का सबसे कम टाइम आज तक उनको दिया है, और ये कोई छोटी चीज नहीं है, और कल ही उन्होंने एक्शन ले लिया था। मैं तो आज क्या आप चाहती हूँ अध्यक्ष पद से हटाया जाए बृजभूषण सिंह को? बिल्कुल, देखिए जो भी खिलाड़ी चाहते हैं और जो जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं बस उनको ये विश्वास दिलाती हूँ, और खिलाड़ी भी भरोसा रखते हैं। किस तक लेकर जाएंगे? आपने इनसे बात करी है, किसके पास जाएंगे? तो जंतर मंतर पर पहुंची बबीता फोगाट क्या कह रही थी ये आपने सुना है। कह रही है कि मैंने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया है, लेकिन उस आश्वासन को कितना असर होता है ये देखने वाली बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो पहुंचे हैं खिलाड़ियों का साथ देने के लिए, और इस बीच कुछ लोग जो पोस्टर लेकर पहुंचे हुए थे उनको पोस्टर लहराने से भी रोक दिया गया है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि इस पूरे मामले पर राजनीति हो। ये जो तमाम खिलाड़ी यहाँ पर हैं वो नहीं चाहते हैं कि इसका किसी भी तरीके से राजनीतिकरण हो। ऐसे में जो वामपंथी दल यहाँ पहुँचे थे उनसे भी वापस जाने को कह दिया गया। एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे अपनी संवाददाता सुरभि शर्मा का, जो लगातार जंतर मंतर पर पहुँची हुई है। सुरभि, इस वक्त वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? प्रतिमा, मैं बता दूं यहाँ पर ये सभी खिलाड़ी अपनी बात साफ तौर पर दोहरा चुके हैं, और उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर हम डटे रहेंगे। 72 घंटे का सवाल नहीं है, बल्कि अगर यहाँ पर 14 दिन तक हमें इसी तरह से धरना देना होगा तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि बबीता फोगाट हमें भले ही यहाँ पर ये अश्योरेंस देकर गई है कि वो सरकार के सामने हमारी मांग रखेंगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो विनेश फोगाट ने अभी TV9 से बातचीत करते हुए कही कि उन्होंने सीधे तौर पर फेडरेशन को भंग करने की मांग कर दी है। ये तमाम बातें, ये तमाम सवाल आज अगर वो नियमों की बात करते हुए हमारी मांगों को लेकर कह रहे हैं तो नियमों की किस तरीके से अनदेखी की गई है इस बात का खुद बृजभूषण को देना होगा जवाब। और महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने कहा कि ये कोई आज का मामला नहीं है, बल्कि 2007 से भी मैंने इस बात को लेकर कई बात की है। सुरभि, बस आखिर में ये बता दीजिए कि क्योंकि बबीता फोगाट जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं तो सरकार की तरफ से हूं, क्या खेल मंत्रालय ने उन्हें ऑथराइज किया है या फिर वो हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरपर्सन है इसलिए वो ये बात कह रही हैं, और अब खिलाड़ियों की बात सरकार तक पहुंचाएंगी जाकर? बिल्कुल सही कहा समीर, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने सीधा सवाल बबीता फोगाट से यही किया कि आपको क्या सरकार की तरफ से किसी ने इन खिलाड़ियों के बीच जाकर बातचीत करने को कहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, मैं खुद सरकार की सदस्य हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि अगर आज इस मंच पर ये खिलाड़ी एकजुट हो रहे हैं तो उसकी कोई बड़ी वजह जरूर होगी। जिन एलिगेशन को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो बेवजह नहीं है, मैं मानती हूँ, क्योंकि आग इसी तरीके से नहीं फैलती है, कोई बड़ी वजह जरूर होगी। इसलिए मेरी कोशिश है कि खिलाड़ियों की ये मांगों के साथ में सरकार के सामने जाऊं। मेरा दूसरा सवाल बबीता फोगाट से ये था कि अब किससे सरकार? बबीता फोगाट सामने आई हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आज उम्मीद है इस पूरे मामले में हल निकलने की, हो सकता है आज हल निकल जाए और सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाए।